हेलो एवरीवन, ये पेपर जो मैं सॉल्व करने वाला हूँ आपके अपने इंग्लिश बाबा चैनल में, ये आया है हमारे पास कर्नाटका से। ठीक है, अगर आपको भी आपका पेपर सॉल्व करवाना है, वीडियो डलवानी है इंग्लिश बाबा चैनल पर सॉल्यूशन की, तो मुझे आप भेज देना 8059041450 पर व्हाट्सएप कर देना। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। पहला देखो, रीडिंग बुक्स डैश अ गुड हॉबी। ठीक है, जल्दी जल्दी से एक रफ रीडिंग ले लो जो मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ। रीडिंग बुक्स क्या है? अच्छी हॉबी है। बुक्स ओपन वास्ट न्यू वर्ल्ड टू अस। भाई, जो लोग बुक्स को पढ़ेंगे कहीं ना कहीं दिमाग खुल जाता है उनका। दे इंक्रीज दैस नॉलेज एंड चेंज आर आउटलुक द वर्ल्ड। देखो बहुत आसान है, रीडिंग बुक्स ए में आएगा पहला। रीडिंग बुक्स इज अ गुड हॉबी। किताबें पढ़ना एक अच्छी आदत है। बुक्स ओपन और ए में आ गया फोर्थ, एज आ गया, और बी में आएगा बुक्स ओपन ए, तो बी का होगा सेकंड यानी कि ए। और अगर मैं बात करता हूँ थर्ड की, बुक्स ओपन अ वास्ट न्यू वर्ल्ड टू अस, थर्ड की बात करूँ, दे इंक्रीज। अब देखो अस इसमें यूज़ हो रहा है अस, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे आर, ओ यू आर। सी में आएगा थर्ड, सी का थर्ड ओ यू आर, दे इंक्रीज आर नॉलेज, वो हमारी नॉलेज बढ़ाती हैं, एंड चेंज आर आउटलुक, और हमारा जो परसेप्शन है वो बदल देती हैं। किसके प्रति? टूवर्ड्स। डी का आएगा फर्स्ट, टूवर्ड्स। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो फिर से बता दूँ, ये पेपर हमें भेजा है मीविश ने कर्नाटका से। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन पर चलते हैं जो कि है एडिटिंग। सिक्स क्वेश्चन है, स्पेंडिंग टाइम फॉर देयर किड्स ब्रिंग्स इमीडिएट एज वेल एज लॉन्ग लास्ट गेन फॉर अ पेरेंट्स। अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च, चिल्ड्रन विद कंसर्न पेरेंट्स आर मोर एफिशिएंट। देखो आप लोग एक बात नोटिस कर रहे होंगे, जब भी इंग्लिश बाबा इसे पढ़ते हैं तो सबसे पहले ही वो एरर और करेक्शन निकालने नहीं लगते। बच्चे क्या करते हैं, पहली लाइन पढ़ेंगे और जल्दी से एरर ढूंढने लगेंगे। नहीं, सबसे पहले आपने क्या करना है, बस सिंपल एक रफ स्टडी ले लेनी है। तो हमें पता चल गया भाई पेरेंट्स के बारे में है, किड्स के बारे में कुछ बातें कर रहा है। स्पेंडिंग टाइम फॉर देयर किड्स ब्रिंग्स, अपने बच्चों के साथ टाइम बिताने में क्या होता है। अब देखो किड्स भी लगा हुआ है, प्लूरल भी है, और ब्रिंग्स भी लगा रहा है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, जो ब्रिंग्स है वो तो हो गई एरर, और ब्रिंग्स में से एस हट जाएगा, करेक्शन में आएगा ब्रिंग, बी आर आई एन जी। ठीक है, इमीडिएट एज वेल एज लॉन्ग लास्ट। अब लॉन्ग लास्ट कुछ नहीं होता यार, ये होता है लॉन्ग लास्टिंग। तो पता चल गया आपको, जो एरर है वहाँ पर लास्ट आया है, और वहाँ पर करेक्शन में आएगा लास्टिंग, लॉन्ग लास्टिंग। लॉन्ग लास्टिंग गेन फॉर ए पेरेंट्स, अब देखो पेरेंट्स के पहले ए लगा हुआ है जो कि गलत है, एक तो एरर हो गया आपके सामने ए, और ए की जगह आएगा द, फॉर द पेरेंट्स। अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च, चिल्ड्रन विद कंसर्न पेरेंट्स, जिन बच्चों के पापा मम्मी पापा ज़्यादा ध्यान देखते हैं, यहाँ एरर है विद, और यहाँ विद की जगह आएगा ऑफ, ओ एफ। अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च, चिल्ड्रन ऑफ कंसर्न पेरेंट। ठीक है, तो एरर आपको पता चल गया और करेक्शन आपको पता चल गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है रीअरेंजिंग। तो अब बढ़ते हैं रीअरेंजिंग की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है, इज एज नोन जयपुर पिंक सिटी। बहुत आसान है, इसका बनेगा जयपुर इज नोन एज पिंक सिटी। ठीक है, जयपुर जाना जाता है पिंक सिटी के नाम से। सेकेंड क्वेश्चन देख लो, इन द आर बिल्डिंग सिटी इन पिंक कलर पेंटेड मोस्ट ऑफ द, इसका बनेगा मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग्स इन द सिटी आर पेंटेड इन पिंक कलर। ज़्यादातर बिल्डिंग्स जो हैं सिटी के अंदर वो किससे बनी हुई हैं, पिंक कलर की बनी हुई है। अगर आप कभी जयपुर जाओगे तो आप देखोगे ऐसा ही है। थर्ड देखो, हैव मेड अ पॉपुलर इट इट्स हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स डेस्टिनेशन टूरिस्ट, इसका बनेगा इट्स हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैव मेड इट अ पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन। फोर्थ देखिए, गो देयर वन बस फ्रॉम दिल्ली कैन ईजली बाय, इसका बनेगा वन कैन ईजली गो देयर, कोई भी आसानी से जा सकता है बाय बस, बस के द्वारा दिल्ली से, वन कैन ईजली गो देयर बाय बस फ्रॉम दिल्ली। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाता है इस कर्नाटका वाले क्वेश्चन पेपर का भी सॉल्यूशन। 5, 6, 7 ले रहा हूँ अभी मैं केवल। अगर आपको भी, आप कहीं से बिलोंग करते हैं, अगर आपको भी आपके क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन चाहिए हमसे इंग्लिश बाबा से, तो जल्दी से मुझे आपका पेपर व्हाट्सएप कर दो 8059041450 पर। यार अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे भाई चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लो, थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ। रात में बैठ के तबीयत ख़राब है फिर भी आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, और
अपना प्लीज़ नाम जरूर लिख देना, जो भी आप भेजते हो आपका नाम क्या है और किस स्टेट से भेज रहे हो, किस जगह से भेज रहे हो, वो जरूर जल्दी लिख के भेज देना। ठीक है, बाय।